अब एडास के इसमें लेवल 2 के 11 फीचर्स दिए गए हैं। ये आपको पोर्ट्रेट 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि सेगमेंट फर्स्ट है, इतना बड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुलेट की रफ्तार से भागती इस दुनिया में चीजें कब पुरानी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, और जो वक्त के साथ कदम ताल नहीं मिलाते वो जमाने से बाहर हो जाते हैं। लेकिन MG को पता है कि उसे अपने गाड़ी के साथ में क्या ट्रीटमेंट देना है, और अब ऑटोनोमस लेवल 2 के साथ में उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है द नेक्स्ट जेन हेक्टर। और इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड में आपसे साझा करने जा रहा हूं। यहीं पे बताता चलूं कि ट्रैफिक में ये गाड़ी अपने आप चल सकती है। इससे अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है MG ने अपनी इस गाड़ी में। तो चलिए क्या क्या नया है ये सब कुछ दिखाता हूं अपने इस डिटेल्ड वॉक अराउंड में। Watching or nothing, I have cleared out the room, also that you can get to be the big spoon. तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका फ्रंट डिज़ाइन, और इसके बाद में चर्चा बाद में शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं ऑटोनॉमस लेवल 2 के साथ में गाड़ी आती है, और इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर यानी कि जहां पर ये महसूस करती है कि ड्राइवर टर्न इंडिकेटर देना भूल गया है और इसको इनपुट समझ में आता है स्टीयरिंग का, वहीं पर ये अपने आप जल जाती है। और ये बहुत अच्छा फीचर है, ये आपको इसमें मिलेगा। बाकी के चर्चा बाद में करते हैं। सामने आपको ग्रिल मिल रहा है, एकदम अलग मिल रहा है, और ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, और सबसे खूबसूरत पार्ट लग रहा है इस गाड़ी का हेडलैम्प यूनिट। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप मिलेगा, और ये जो खूबसूरती है यहाँ से लेकर वहाँ तक ये आँखों में बस जाती है। जो इसका अप्रोच एंगल है वो काफ़ी दुरुस्त दिख रहा है अगर इस गाड़ी के हिसाब से देखेंगे। फीचर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं, तो सामने भी आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलता है और कैमरा भी मिल जाता है। तो फीचर्स भरे हुए हैं, और जो डिज़ाइन है बहुत कम चेंज करते हुए जो डिज़ाइन इम्पैक्ट इसमें डाला गया है, जो एग्जीक्यूट किया गया है, वो बहुत खूबसूरत बना देता है इस नेक्स्ट जेन MG हेक्टर को। तो भैया आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब दिखाते हैं आपको इसका साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम जो आपने हेक्टर देखी हुई है उससे अलग नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल जो मिल रहा है ये बॉडी कलर है, हालांकि इस पे आपको क्रोम का इस्तेमाल मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको क्रोम मिलेगा, और जो विंडो एरिया है काफ़ी बड़ा आपको मिलने वाला है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ये गाड़ी आपको 5-6-7 सीटर विकल्प में मिल जाती है, यानी कि आपको बैठने की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। ORBM पर टर्न इंडिकेटर कुछ इस अंदाज में मिल जाता है, चाबी से बंद हो जाता है। साथ में क्लैडिंग देखेंगे तो गाड़ी के चारों तरफ आपको परिक्रमा लगाती हुई मिलेगी, यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का रूफ रेल मिल जाता है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 215/55 R18 का यहाँ पर आपको एक टायर प्रोफाइल मिलेगा, और ये ड्यूअल टोन अलॉय खूबसूरत रंग भर रहा है यहाँ पर, और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। तो साइड से इतनी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं जो कि आप अच्छा बोल सकते हैं, हालांकि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया है। अब कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको लेके चलता हूँ रियर, दिखाता हूँ द नेक्स्ट जेन हेक्टर में अगर आपको नयापन ढूंढना है तो सामने देख लीजिएगा और फिर रियर देख लीजिएगा। ये पूरी की पूरी यूनिट नई है, और ये बहुत खूबसूरती से इसमें अपनी रंग भर रही है, और ये मुझे अच्छा लगा। एडास लेवल 2 आता है तो यहाँ पर एडास का आपको ये बैजिंग मिल जाएगी, हेक्टर की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और ये MG का लोगो मिल जाएगा। और ऊपर देखेंगे तो डिफॉगर, रियर वाइपर, स्टॉप माउंट लैंप, शार्क फिन एंटीना, और ये स्पॉयलर। ओवरऑल आप देखेंगे तो एक बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। डिपार्चर एंगल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको खूबसूरती रची बसी नज़र आएगी, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और यहाँ पर क्रोम का अच्छा इस्तेमाल मिलने वाला है। और एग्जॉस्ट देखना होगा तो आपको ये झांकना पड़ेगा, यहाँ पर एग्जॉस्ट दिया गया है तो एग्जॉस्ट यहाँ पर दिख जाएगा, और यहीं पर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। तो कुल मिलाकर ये कुछ अंदाज दिया है हेक्टर में, नेक्स्ट जेन हेक्टर में MG ने, जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। अब क्या करता हूँ इसको खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए आपको इसमें कितनी जगह मिलती है। तो अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप वहाँ टच कर देते हैं तो अपने आप ये ऊपर चला जाता है, एक खुल जाता है पूरा, और ये सामान रखने की कुछ इस तरीके से यहाँ पर जगह वगैरह मिल जाती है। तो ये प्रीमियम अंदाज इसमें रखा गया है, काफ़ी कुछ सामान वगैरह आराम से इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप छोटा मोटा सामान जमा सकते हैं। तो इंटेलिजेंट स्पेस भी है, इसके अंदर भी सामान रख सकते हैं, यहाँ भी सामान रख सकते हैं। तो अगर आप किसी वीकेंड पे जा रहे हैं, छुट्टी उट्टी मनाना है, तो आराम से इसमें आपको सामान वगैरह रखने की अच्छी सी जगह मिल जाती है। लाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था प्रॉपर मिल जाएगी। और क्या करता हूँ इसको हटाता हूँ मैं, एक बार इसको हटा के मैं प्रॉपर आपको दिखाता हूँ कि अगर इसे मैंने हटा दिया
और इस सीट को मैं फोल्ड करके, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इसको फोल्ड कर देते हैं आप इस सीट को तो ये किस तरीके का स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक सीट फोल्ड कर दिया है और ये वाली सीट भी मैंने फोल्ड कर दी है। तो आप देख सकते हैं, तो ये कि बेड नुमा बन जाता है। मतलब अगर आप किसी गाड़ी में देखेंगे तो बहुत कम गाड़ियों में ऐसा मिलता है व्यवस्था कि अगर आप सोना चाहें तो गद्दा वद्दा लगा के आराम से इसमें सो सकते हैं। मैं बैठ के दिखाई देता हूं आपको ऑलरेडी। तो अगर ये स्पेस मुझे मिल जाए और मुझे यहाँ लेटना पड़े तो इस हेक्टर में लेटने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा पार्ट लगा इस गाड़ी का। तो जब भी मैंने बूट से एक्सेस किया है, सीट को फोल्ड कर दिया है, तो इस तरीके का एक फ्लैट यहाँ पर बेड मुझे मिल जाता है। अब मैं आपको रियर सीट एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो भैया मैं इसकी रियर सीट पर आ गया हूँ नेक्स्ट जेन MG हेक्टर के, और यहाँ पर रियर सीट पर बैठना बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि सीट को आप थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ जाए। इसके बाद यहाँ पर आपको बढ़िया थाई सपोर्ट मिल जाता है, अच्छा लेग रूम मिल जाता है, अच्छा हेड रूम मिल जाता है, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और यहाँ पर लाइट LED मिलती है। तो केबिन में आप बैठकर बहुत अच्छा फील करने वाले हैं और एक रिफ्रेश अंदाज इसमें मिलेगा। तो ये जो सीट का लेआउट थोड़ा सा दिया गया है ये अलग तरीके का है, और जो इसमें कुशनिंग मिलने वाली है ये सच में बहुत अलग है। तो आप बैठकर बहुत अच्छा फील करने वाले हैं इस सीट पर, और ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी। AC वेंट का अंदाज कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर अब आपको एक USB टाइप का चार्जिंग पोर्ट इस जगह मिलता है। अगर सी टाइप होता तो अच्छा रहता, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें आएंगी, एग्जीक्यूट करेगी कंपनी, पर्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, फील देखेंगे तो बहुत अच्छा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल जो मुझे फील हुआ, लगा कि इसमें काफ़ी कुछ अलग करने की कोशिश की है, और जो चीज़ें की गई हैं बहुत बड़े नहीं हैं चेंजेस, लेकिन जो चेंजेस हैं वो एक बड़े इम्पैक्ट के साथ में इस गाड़ी में परिभाषित हुए हैं। पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं, इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम पीछे भी मिल जाता है, आगे कैसे दिए गए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और साथ में यहाँ पर जब आप ऐसे बैठेंगे तो सॉफ्ट टचेस काफ़ी कुछ मिल जाते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे बैठ कर ट्रैवल करते हैं और ये काफ़ी कुछ आराम आपको यहाँ पर दे जाएगा। और हेक्टर की जो खूबसूरती है वो अब और ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस गाड़ी में दिख रही है। तो भैया मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, जो जो चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगा है, ये आपको पोर्ट्रेट 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट है, इतना बड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसी से आप पूरा सनरूफ ऑपरेट कर सकते हैं यहीं से। तो देखिए मैंने किया और ये पूरा शुरू हो गया। अच्छी चीज़ क्या है वो बताता हूँ इसमें। देखिए स्लाइड टू ओपन है अभी ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जब नीचे करूँगा ना, सपोज करिए, तो यह 10% तक खुल सकता हूँ, मतलब इस सनरूफ को मैं 10% तक भी एक्सेस कर सकता हूँ। और मुझे थोड़ा और ज़्यादा करना है, 40% भी कर सकता हूँ, 20% भी कर सकता हूँ। ये देखिए 50, 60, 70, 80, मतलब वो पूरा खोल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से इसमें परिभाषित हुई हैं। और ये इसके साथ में और क्या दिया गया है इसमें, 8 एम्बियंट लाइटिंग दे दी गई है, जो कि आप वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में अब एडास के इसमें लेवल 2 के 11 फीचर्स दिए गए हैं। एक है TGA, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो ये गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। कैसे चलेगी वो बाद में बताएंगे, जब अपने पास गाड़ी आएगी चलाने के लिए तो वहाँ पर इसको एक्सपीरियंस करके बताया जाएगा। ये बहुत अच्छा है, जो लीवर दिया गया है बहुत अच्छा है। PRNDS मिल जाता है, इको मोड मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट के विकल्प यहीं से मिल जाते हैं, आप यहीं से बटन दबा के आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। और साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड आपको सीट मिल जाती है, और ये सीट की कुशनिंग वगैरह आपको बहुत अच्छी लगने वाली। मैं बैठा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। यहीं पर आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, इसे आप बंद भी कर सकते हैं। तो इसमें प्रीमियमनेस का पूरा इंतज़ाम रखा गया है। दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह आप लगा लीजिए। सामने अगर डैशबोर्ड की बात करेंगे तो सॉफ्ट टच काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और जो AC वेंट का पोजिशनिंग दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छे से इसमें बन पड़ा है। तो बेहतरीन सनरूफ, एडास के लेवल 2 फीचर और एम्बियंट लाइटिंग, और बहुत सारे, क्योंकि 55 इंग्लिश कमांड इसमें दिए गए हैं जो कि आपकी बात को समझते हैं। इसके अलावा 5 और भाषाएं इसमें समाहित हैं, जो इसको समझती है इसको आप सेट कर सकते हैं। और 75+ कनेक्टेड फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जो कि आप बैठकर अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो काफ़ी वक्त लगने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे इस गाड़ी में तो प्रीमियमनेस भर भर के दिया गया है, और ये आपको ज़रूर पसंद में आने वाला है इस गाड़ी में। इंजन में कोई चेंज नहीं है, प्लेटफॉर्म में कोई चेंज नहीं किया गया है, डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो चेंजेस किए गए हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि युवाओं को 100% पसंद आने वाले हैं। देश में जब पहली इंटरनेट कार MG लेके आया था ना, तो MG हेक्टर ने हर तरफ तहलका मचा दिया था। इसके बाद लगा था लोगों को कि अब
इससे बड़े बदलाव नहीं आ सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और जो बदलाव अब आए हैं वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, खास करके युवाओं को 100% ये समझ में आने वाले हैं। आपको कैसा लगा हमारा युवा का राउंड, कमेंट करके बताना है। मैंने सब कुछ दिखा दिया जो कंपनी ने बोला था, फिर भी मुझसे कुछ रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd या फिर power on wheel, जहां आएंगे सवाल करेंगे जवाब पाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।